फाइनली दोस्तों आपके सामने है आज बजाज की न्यू टॉप मॉडल 2022 बाइक। इसके बारे में आज आपको बताएंगे इसमें अंदर क्या क्या दिया है, क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, इस बाइक के अंदर। आपको इसके अंदर डबल एबीएल से चैनल देखने के लिए मिलता है इस बाइक के अंदर। इस बाइक के इंडिया के अंदर कितनी प्राइस रहने वाली है और कितनी नहीं रहने वाली है, ऑन रोड प्राइस हम आपको बताएंगे इसकी कितनी रहेगी और कितनी नहीं रहेगी। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और लाइक करना, वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। इससे क्या होगा, इन फ्यूचर आगे कभी भी कोई न्यू वीडियो बनाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। तो ये बजाज जो न्यू मॉडल की आई है इसकी क्या डेट है, किस दिन लॉन्च होगी, किस दिन लॉन्च नहीं होगी, तो हम आपको सब बताने वाले हैं। डुअल चैनल ABS ब्रेक देखने के लिए इस गाड़ी में मिलते हैं आपको, और भी बहुत चीज़ मिलती है। इसकी लाइट बहुत इलेक्ट्रिक रहती हैं, LED लाइट रहती हैं, आपको देखने के लिए बहुत बढ़िया लाइट लगती हैं। तो चलिए और भी कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। इसके अंदर टायर की बात कर लें, 100x18 सेंटीमीटर का इसके अंदर आपको टायर देखने के लिए मिलता है, और ये मल्टी बॉडी यानी कि ऐसी प्लास्टिक लगाई गई है, ये कहीं भी लग जाता है तो हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ये तुरंत नहीं टूटेगी। आपको ये जो टायर मिलता है ये देख सकते हैं ABS डबल चैनल है इसके अंदर। ABS जो ब्रेक हैं वो डबल चैनल में दिए गए हैं इसके अंदर, तुरंत यानी कि जैसे ही आप लगाएंगे तुरंत यानी कि आपकी बाइक रुक जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ इसके अंदर लगाई गई है, और आपको 100x18 का इसके अंदर टायर देखने के लिए मिलता है इस बाइक के अंदर। 17 इंच के इसके अंदर आपको अलाइबल देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर जो शॉकर देखने के लिए मिलते हैं वो बहुत मजबूत टाइप के आपको देखने के लिए मिलते हैं, मोटे शॉकर यानी कि इसके अंदर मिलते हैं। और इसकी कलर की बात कर लें, आपको ब्लू ब्लैक रेड कलर में आपको ये यानी कि ब्लू ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए यह बाइक मिलती है। रेड कलर में भी है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे स्पोर्ट्स रेड कलर मिलता है, टेक्नो ग्रो ब्लू कलर, चार कलर इसमें ऑप्शन में पल्सर है आपके पास। और आपको ये शोरूम में फ्यूल टैंक के ऊपर आप देख सकते हैं इसके 3D में लोगो लगा हुआ आपको इसमें मिलता है। मैट ग्रे कलर की स्ट्रिंग ग्रे मिलती है आपको, बढ़िया एनएक्स करती है और अच्छी लगती है। रेड कलर और ग्रे कलर की इसके अंदर क्रूपिंग मिल जाते हैं, फाइबर बॉडी मिलती है, फिल मॉडल बॉडी का मिलता है आप इसके में। आप इसमें अपना मोबाइल भी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना मोबाइल भी इसमें लगा सकते हैं, मोबाइल जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं ये देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग की। और भी आपको आपको मीटर जो इसका मिलता है वो मिलता है डिजिटल मीटर मिलता है आपको इसमें, देख सकते हैं आप डिजिटल मीटर मिलता है, पेट्रोल बैटरी चार्ज सब चीज़, इंडिकेटर यानी कि आपको इसका स्टैंड लगा नहीं लगाएंगे तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि नॉर्मली हर चीज़ इसके अंदर दी गई है इस बाइक के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये बाइक बहुत ही बढ़िया बाइक है, इंडिया के लिए अंदर लॉन्च होने वाली है। इसकी प्राइस 2 लाख के लगभग यानी कि रहने वाले हैं इसकी प्राइस। और आपको ये किस दिन आएगी इंडिया के अंदर, किस दिन नहीं आएगी, वो भी हम आपको यानी कि बता देंगे। आपको इसके अंदर बहुत बहुत अच्छे सिस्टम मिलते हैं इस बाइक के अंदर देखने के लिए। चलिए तो हम आपको और भी बताते हैं, आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर यानी कि आप कुछ भी देख सकते हैं, यानी नॉर्मली आप जैसे यहाँ पे अपना कुछ भी लगाना चाहते हैं मोबाइल का सिस्टम यहाँ पे लगा सकते हैं, शो कर सकते हैं। आपको इसके अंदर और भी बढ़िया चीज़ मिलती है, देख सकते हैं इसको आप इसको दबाएंगे पुश करेंगे तो आपका ये डिजिटल जो मीटर है वो बाहर निकल आएगा। तो ये आपके लिए बाइक है जो बहुत ही बढ़िया बाइक है, जो स्पोर्ट्स बाइक चलाना चाहते हैं और उनके लिए बहुत बढ़िया। और ये मल्टी बॉडी यानी कि शीशा इसमें देखने के लिए मिलता है, बहुत बढ़िया शीशा है। और ये पासिंग लाइट है, बहुत बढ़िया लाइट है यानी कि देखने के लिए आपको बहुत दूर तक का यानी कि दिखाती है। और इसके अंदर आपको LED लाइट देखने के लिए मिलती है, इंडिकेटर मिलता है, ये आपको इसको ये स्टार्ट करने के लिए जैसे ब्लूटूथ में आता है वो भी सब सिस्टम इसके अंदर बाइक के अंदर यानी कि दिया गया है। ये आप इसको ऑन नहीं करेंगे जब तक ये बाइक यानी कि स्टार्ट नहीं होगी। हम इसके साइलेंसर की बात कर सकते हैं, तो इसके अंदर डबल साइलेंसर यानी कि ये बाइक दी गई है। आवाज़ इसकी बहुत प्यारी आवाज़ है इस बाइक की यानी कि आप देख सकते हैं। और 2.0 यानी कि इसका जो कवर है बैठने के लिए, जैसे कुछ बाइक पे आप लोग बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है कमर, कवर यानी कि हमारी जो कमर होती है वो दर्द करने लगती है। N250 देख सकते हैं इस बाइक का कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए भी। इस बाइक आपको एवरेज की बात करते हैं, इसकी एवरेज ये कितने का दे सकती है, कंपनी यानी कि 50 का बता रही है लेकिन आपको ये 40-45 का एवरेज यानी कि नॉर्मली देगी। DTSI यानी कि इसके अंदर, और यहाँ पे ऑयल यानी कि जो इसके अंदर जो वो दिया गया है वो बहुत बढ़िया दिया गया है। यहाँ पे इसकी सपोर्ट अपाची की तरह लगा दी गई है, जैसे इंजन पे कोई धूल मट्टी ना जाए। और ये आपको डबल हॉर्न नहीं मिलता है, डबल हॉर्न मिलता है या नहीं मिलता है वो भी देख लेते हैं। एक ही हॉर्न आपको साथ मिलता है, और आपको यहाँ पे
मैट, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ इस बाइक के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो चलिए हम आपको और भी बताते हैं कुछ इसके अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता आपको इसके अंदर। यानी कि जैसे आप अपने आपको यानी कि इसमें किक लगवाना है, इसमें किक लगवाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपको जैसे किक लगवाना है तो इसमें आप अपनी बाइक में किक भी लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसको निकलवा के आप किक इसमें नॉर्मली लगवा सकते हैं। किक का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है और ये आपको डबल साइलेंसर में देखने के लिए मिलता है, इसलिए ये इसकी आवाज़ जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी आवाज़ है इस बाइक की। और आप ये शॉकर देख सकते हैं, यहाँ पे शॉकर लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही इलेक्ट्रिक शॉकर है ये। आपको बिल्कुल भी धच्ची, नॉर्मली आपको नॉर्मली धच्ची आती है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाली है इस बाइक के अंदर। आपको ये अभी ऐसे देखने के लिए अंदर भी इसके अंदर मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया था ये अभी ऐसे देखने के लिए अंदर मिलता है। और ये टायर है, यानी कि आप देख सकते हैं कितना इलेक्ट्रिक टायर है, जिसका रिम है आप वो देखिए, बहुत ही बढ़िया बाइक है। यानी कि ये आपके लिए पल्सर की सबसे बेस्ट सबसे बढ़िया बाइक 2022 की ये है। इसकी बात और बात करते हैं हम, सबसे पहले चलते हैं अब इसके यानी कि टायर की तरफ। और यानी कि लाइट और बैक, इसकी बैक बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत बाइक की बैक लगती है इसकी। तो चलिए हम चलते हैं आपके यानी कि लाइटिंग, यानी कि जो बैक लाइट होती है गाड़ी के अंदर, उसको हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इंडिकेटर और बैक लाइट जब जलती है तो वो बहुत प्यारी लगती है। और इसके अंदर जो कान दिए गए हैं ये और ही ज़्यादा इसको खूबसूरत बनाते हैं इस बाइक को। ये देख सकते हैं N250 पल्सर आपको देखने के लिए लोगो, और यहाँ पे आपको रेड कलर का स्टिकर इसके अंदर दिखाने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे ये जाली मिलती है आपको, नॉर्मली आप इसको इसके इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हैं। ये सबसे बढ़िया आपकी सपोर्ट के लिए, ये कुछ बहुत पतले होते हैं, दुबले होते हैं, यानी कि टूट जाते हैं जल्दी। आपको इसके अंदर 5 गियर देखने के लिए नॉर्मली मिल जाते हैं, ये गियर के लिए बहुत बढ़िया है बाइक। ये देख सकते हैं आप, इसको ऐसे दबा लेंगे तो ऐसा आप इसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आप इसको बाइक को स्टार्ट करते हैं और फिर आप इसको यानी कि गियर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लिच दबा के गियर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ऑटोमेटिकली गाड़ी अपने आप बंद होगी। बढ़िया सिस्टम दिया गया। इसकी प्राइस के बारे में बात कर लें तो ऑन रोड प्राइस इसकी 1,43,000 और आपके इंटरेस्टिंग दिए देख सकते हैं यहाँ पे, सब प्राइस के बारे में मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया, ये देख सकते हैं बजाज पल्सर N50 60 डोंट चैलेंज ABS, सब के बारे में आपको बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप अपने चैनल को कर लें सब्सक्राइब और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। इससे क्या होगा, आगे कभी भी कोई न्यू वीडियो बनाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचती रहेगी। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पल्सर की इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना।